सोमवार को शहर के जैन कलार समाज भवन में माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान, जैन कलार समाज, मराठा युवा समाज और आमदार मोहन मते द्वारा संचालित निशुल्क कोविड केयर सेंटर का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों उद्घाटन किया गया, जिस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी भी उपस्थित थे। शहर में भले ही बीते कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है, हालांकि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है, जिसके चलते सोमवार को शहर के जैन कलार समाज भवन में माध्यम लोक सेवा प्रतिष्ठान, जैन कलार समाज, मराठा युवा समाज और आमदार मोहन मते द्वारा संचालित निशुल्क कोविड केयर सेंटर का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों उद्घाटन किया गया। इस कोविड केयर सेंटर में 50 बेड की सुविधा प्राथमिक तौर पर की गई है, जिसमें 10 ऑक्सीजन बेड की सुविधा है, ऐसी जानकारी इस अवसर पर आमदार मोहन मते ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस कोविड केयर सेंटर में निशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई है। आपला सगळ्यांना माहिती आहे की कोविड-19 या पद्धतीने सुरू झालं आणि या वर्षी एप्रिल ते मे ज्या पद्धतीचा पॅनिक पिरियड या नागपुरात आला, आपल्या सगळ्यांनी बघितलं आहे की या काळात बेड होते, म्हणजे सर्वसामान्य बेड उपलब्ध होत नव्हते, प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये लूटमार सुरू होती, मेडिकल फुल, मेओ फुल, एम्स फुल, अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य माणूस हा घरी राहूनच आपला प्राण त्यागत होता, अशा प्रकारची परिस्थिती होती। मी स्वतः कोविड पॉझिटिव्ह असल्यामुळं मी काही दिवस लक्ष देऊ शकलो नाही, परंतु मी ज्यावेळेस बाहेर पडलो त्याचवेळेस मी निर्णय घेतला की दक्षिण नागपुरातील सर्वसामान्य लोकांकरता, गोरगरीब लोकांकरता एक आयसोलेशन सेंटर आपण चालू केलं पाहिजे। त्यादृष्टीने आम्ही आयसोलेशन सेंटरचं चालू केलं आहे। 10 बेड ऑक्सिजनचे आहे, 100 बेडचं हे आयसोलेशन सेंटर राहणार आहे आणि 10 बेड आयसोलेशन ऑक्सिजनचे राहणार आहे। आमच्या इथं ज्या पेशंटला ज्यांचा स्कोर वाढला, ज्यांना श्वास घ्यायला त्रास होतो, ऑक्सिजनची गरज आहे, अशा पेशंटकरता आम्ही श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, एम्स आणि काही प्रायव्हेट हॉस्पिटल जे आमच्या मित्रांचे आहे तिथे आमचं बोलणं झालं आहे, जेणेकरून जिथे निःशुल्क सेवा, निःशुल्क व्यवस्था, ट्रीटमेंट त्या रुग्णांची करता येईल। आम्हाला असं वाटतं की खऱ्या अर्थानं जे लोक बेअर करू शकत नाही अशा लोकांकरता आम्ही केलेली व्यवस्था आहे आणि या व्यवस्थेत आमच्यासोबत जैन कलार समाज, मराठा युवा संघ हे आमच्यासोबत आहे, अनेक साऱ्या सेवाभावी संस्था आम्हाला मदत करत आहे। निश्चितच माध्यम लोकसेवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून हे एक सेंटर जरी आम्ही चालू केलं, परंतु तिसरी वेव परत आली तर निश्चितच आम्ही याला म्हणजे एक्सपांड करू। 2-3 ठिकाणी अशा प्रकारचे सेंटर आमच्या इथे डॉक्टर गिल्लूरकरच्या माध्यमातून MD मेडिसिन डॉक्टर इथे ट्रीटमेंट देणार आहे, आमच्या इथे RMO आहे, CMO आहे, नर्सिंग स्टाफ आहे, वार्ड बॉय आहे, म्हणजे जे जे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये, प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये ज्या ज्या व्यवस्था आहे त्या व्यवस्था आम्ही ते केल्या आहे। निःशुल्क आम्ही भोजन देणार आहोत, निःशुल्क नाश्ता, चहा, निःशुल्क औषधं आणि जो पेशंट येईल त्याची संपूर्ण व्यवस्था ही निःशुल्क राहणार आहे। मला असं वाटतं अशाच प्रकारचे सेंटर जर तिसरी वेव आली तर परत आम्ही 2-3 परत चालू करू। खऱ्या अर्थानं आम्ही सुरुवातीला जेव्हा कोविड चालू झाला त्यावेळेस पण भोजनदानापासून तर किट वाटपापासून आम्ही सातत्यानं प्रयत्न करतो। आम्ही 3 ॲम्ब्युलन्स घेतल्या आहे आणि या पेशंटचा येण्या जाण्याकरता ते निःशुल्क आम्ही चालवतो आहे। मला असं वाटतं की ह्या सेंटरच्या माध्यमातून दक्षिण नागपुरातल्या गोरगरीब जनतेला जो बेअर करू शकत नाही अशा लोकांना याचा फायदा होईल। इस उद्घाटन के दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी भी पहुंचे थे, जिस दौरान आमदार मोहन मते का अभिनंदन किया और कहा कि इस इलाके की जनता को इस कोविड सेंटर का लाभ लेना चाहिए। कोरोना के ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका प्रॉपर रेगुलर चेकअप होता रहा और रेगुलर मेडिसिन मिलते रही तो बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं, ऐसी संख्या बड़े प्रमाण में होती है। ऐसे लोग अपने घर में अगर रहे तो घर में रह करके एक परिवार के साथ साथ अपने परिसर के भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोविड केयर सेंटर सचमुच में एक बड़ी उपलब्धि है। आज विधायक मोहन मते जी ने इसकी शुरुआत यहाँ की है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और इस क्षेत्र के नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि इसका वे भरपूर प्रमाण में लाभ लें। वे घर में होम क्वारंटीन होने की अपेक्षा यहाँ आकर के रहें तो उनके परिवार के लिए भी उनके तरफ से एक मदद होगी और सुरक्षा मिलेगी, ऐसा विश्वास है। अगर किसी प्रकार का सिम्टम्स नहीं है और हमारे घर में सुविधा है, हमारे घर में सेपरेट रूम है, हमारे घर में सेपरेट बाथरूम है और हम मन से तैयार है कमरे के अंदर 14 दिन बंद रहने के लिए, तो ही हमने घर में रहना चाहिए। अगर ये सुविधा हमारे घर में नहीं है
तो हमने कोविड केयर सेंटर में जा कर के भर्ती होना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। शहर में बीते कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो कम आ रही है, हालांकि फिर भी संभावनाएं जताई जा रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, और इसी को देखते हुए आमदार मोहन मते द्वारा जैन कलार समाज में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। आज यहां पे उद्घाटन कोविड केयर सेंटर का किया गया, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पे उपस्थित थे, महापौर दयाशंकर तिवारी की भी उपस्थिति यहाँ पे थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 50 बेड्स का ये कोविड केयर सेंटर है, जहाँ पे 10 जो है ऑक्सीजनेटेड बेड यहाँ पे रहेंगे। और जब हमने आमदार मोहन मते जी से बात की, तब उन्होंने बताया कि ये जो कोविड केयर सेंटर है, इसमें अगर कोरोना का प्रकोप और बढ़ गया तो यहाँ पे सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी। कोरोना रोगियों के लिए, जो कोरोना संक्रमित है, माइल्ड सिम्टम्स जिन्हें है, उनके लिए इस कोविड केयर सेंटर की स्थापना की है, जो निश्चित ही लोगों को सहायता देगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ मैं दिशा, BCN News नागपुर।